इस देश को चाहिए एक जागरूक जनता जो अपने सरकार को जवाबदेह बनाए, भक्त नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम तमाशे पर या फिर राम मंदिर में सराबोर होकर असली मुद्दों से अपना ध्यान पीछे हटा ले। हमें एक जागरूक देश चाहिए और इसका नुकसान किसी और को नहीं, देश की जनता को होगा, जो इस वक्त हो सकता है धर्म और राष्ट्रवाद का धतूरा चाटे हुए बेहोश हो, मगर जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, पहली बात तो आप याद रखिए, 70 सालों से ये जो जिहाद और नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट करके हिंदुस्तान के अधिकांश लोग बेहोश पड़े हुए थे, अब 2014 से इस धतूरे को चाटने की जो बेहोशी थी उस बेहोशी से बाहर आ रहे हैं। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि जो नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट के, क्योंकि आपको याद होगा जिस महिला को आप बीच में दिखा रहे हैं जिसका नाम हीर खान है और जिस प्रकार की टिप्पणियां इसने हिंदू देवी देवताओं के लिए की है वो इतनी भद्दी है कि आप दिखा भी नहीं सकते हैं और मैं सुन भी नहीं सकता हूं। उसके लिए 3 पत्रकार बहुत महान थे, उन 3 पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा और उनमें से एक पत्रकार रोज कहता है, मैं उसी के नाम पे कह रहा हूं, ये सेक्युलरिज्म का धतूरा, नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाटा हुआ था, धीरे धीरे हम उस बेहोशी से बाहर आ